हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 कॉमर्स में अकाउंटेंसी में आज हम लोग जर्नल एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन आगे चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको जर्नल एंट्री बताना चाहता हूँ कि जर्नल एंट्री को कैसे बनाते हैं और उसको कैसे लिखते हैं और किस 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 तरीके से उसको प्रेजेंटेशन होता है और उसके क्या क्या रूल्स हैं। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर हम लोग आगे के फर्दर चैप्टर जैसे जर्नल के बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, फिर उसके बाद इक्वेशन वाले क्वेश्चन, इक्वेशन बेस्ड जो इस पर क्वेश्चंस होते हैं, फिर आगे के चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकॉन्सिलेशन, इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिना इसको कंप्लीट किए मैं कोई चैप्टर आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए जर्नल एंट्री आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। जर्नल एंट्री देखिए क्या चाहिए, जर्नल एंट्री जो भी हम ट्रांजेक्शन बिजनेस में कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्डिंग करना, जर्नल का मतलब ही होता है, डायरी से मतलब होता है उसको। हम कोई भी हमने ट्रांजेक्शन के, जब ट्रांजेक्शन हमारे पास ज़्यादा नंबर्स ऑफ अकाउंट हो जाते हैं या फिर ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाते हैं तो उसको लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम उसको लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नलाइज करना, ठीक है। तो जर्नलाइज करने के कुछ रूल्स होते हैं जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं, ठीक है। इसके ड्यूअल एस्पेक्ट में हम लोग इसकी एंट्री करते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि आपने किसी से सामान परचेज किया है, ठीक है, तो उसके दो पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो आपने उससे परचेज किया है तो आप जो क्या हो गया, परचेजर हो गए, और दूसरे जो सेल किया उसका सेल का एस्पेक्ट है, आपका परचेज का एस्पेक्ट है। आपने कहीं पर कोई एक्सपेंस किया तो आपके लिए एक्सपेंस है लेकिन दूसरे के लिए वो इनकम है। तो हर एक ट्रांजेक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट होता है, इसलिए हम लोग इसको डबल एंट्री सिस्टम या फिर जर्नल डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में हम दोनों एस्पेक्ट को लेकर के चलते हैं, और इसमें जो जर्नल एंट्री हम लोग बनाते हैं वह ड्यूअल एस्पेक्ट पर तो बनाते हैं, लेकिन इसमें एक मेन पॉइंट ये कि जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं वह बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि जो प्रोप्राइटर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसे सपोज करें कि ये है मिस्टर लाला जी, ठीक है, मिस्टर एक्स है। सपोज करिए इन्होंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया बिजनेस में, ठीक है, ये बिजनेस है, इन्होंने बिजनेस में कैपिटल क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है। तो हम जो भी ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो रिकॉर्डिंग करेंगे थ्रू डेबिट और क्रेडिट, जो रूल के अकॉर्डिंग करेंगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वो हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, न कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। सपोज करिए उन्होंने कुछ परचेजिंग किया बिजनेस के लिए किया, तो सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देखेंगे, क्या वो बिजनेस के लिए, अगर वो इनके घर के लिए उन्होंने कुछ परचेज किया तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, इसी ये कॉन्सेप्ट जो होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। तो जो बिजनेस जो है वह इससे टोटली क्या है, सेपरेट है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, क्योंकि फर्म के लिए जो कैपिटल है वो एक लायबिलिटी होती है, इसीलिए फर्म में जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया था, और ये इनसे एकदम सेपरेट लीगल है। ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, न कि ये मिस्टर एक्स जो इसके प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग हम बिजनेस में इसकी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो लॉ के अकॉर्डिंग जो है ये दोनों क्या है, सेपरेट एंटिटी है। हम जो बिजनेस की एंट्री जो करेंगे हम कंसिडर अपने माइंड में ये करके करेंगे कि अगर वो बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज अगर वो प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग है, प्रोप्राइटर के, अगर सपोज करिए कि कोई फ़ैन आपने लिया परचेज किया, ठीक है, अगर ये ऑफिस में लग रहा है तो इसकी रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री में होगी, अगर इनके घर पे वो फैन लगा हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे, ये इनका पर्सनल मैटर है, बिजनेस में इसकी एंट्री नहीं करेंगे, ये फर्म की एसेट्स नहीं काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा, अब हम लोग इसका कुछ इसके रूल्स देखते हैं। ये पूरे अकाउंट्स में समझ जाइए कि ये टोटल आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है,
अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया या आपको समझ में आता है तो आगे के जितने भी चैप्टर हैं उसमें जर्नल एंट्री या फिर लेजर पोस्टिंग या फिर कोई भी अकाउंट या फिर बनाने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग जर्नल एंट्री में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जर्नल एंट्री में देखिए नॉर्मली थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, एक पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट्स होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। कोई इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है। कोई भी कंपनी का आप जो नेम जो आप प्रोनाउंस करते हैं, जैसे ABC कंपनी, चाहे टाटा मोटर हो गया, चाहे रिलायंस हो गया, चाहे कोई भी इंडस्ट्री के बारे में जब आप नाम उसका लेते हैं तो वो एज ए पर्सनल अकाउंट हो गया। किसी फर्म के प्रोप्राइटर के नेम से फलाना एंड फलाना कंपनी, मिस्टर XYZ एंड सन्स कंपनी, ABC कंपनी, तो ये जितने भी अकाउंट है, राम्स अकाउंट, तो राम का अगर अकाउंट है, श्याम का अकाउंट है, हरी अकाउंट है, तो ये सभी जो नेम से रिलेटेड है, क्योंकि वो पर्सनल किसी नेम से रिलेटेड है, इसलिए उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। और रियल अकाउंट क्या होते हैं? नॉर्मली जितने भी जो एसेट्स के जो अकाउंट्स होते हैं वो रियल नेचर के होते हैं। एक्चुअली वो रियली हम उनको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे हमारे कोई फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, कैश हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, जितने भी एसेट्स जिसको हम यूज करके बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करते हैं, विदाउट उसको हम यूज किए हुए हम लोग कोई प्रॉफिट या फिर अपने बिजनेस को ऑपरेट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी अकाउंट जो जिसको हम लोग रियल रियली देख सकते हैं या फिर वो टेंजेबल नेचर में है, टेंजेबल फॉर्म में है, उसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल से मतलब ये है कि जो दिखता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली रेंट, वेजेस, एक्चुअली ये क्या होते हैं, ये नॉमिनल नेचर के होते हैं। इनको बस एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जैसे वो अकाउंटिंग पीरियड पूरा होता है फिर से वो सारे लेजर फिनिश कर दिए जाते हैं, यानी उनके जो भी ड्यू थे या फिर जो भी रिलेटेड अकाउंट से बैलेंसेस उसको फिनिश कर दिए जाते हैं, इसलिए ये नॉमिनल नेचर के होते हैं। जैसे जितने भी एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस हो गए, वो सारे रियल नेचर के अकाउंट्स होते हैं, नॉमिनल नॉमिनल नेचर के अकाउंट्स होते हैं। जैसे रेंट हो गए, वेजेस हो गए, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया, और भी जितने भी नेचर के, आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये सारे हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस बात कर रहे हैं। तो अगर सपोज करिए कि जब वो अकाउंट तो मेरा 1 साल का पूरा हो गया अकाउंटिंग पीरियड, तो क्या उसको फिर से कैरी फॉरवर्ड उस अकाउंट को रखने को क्या ज़रूरत है? इसलिए वो नॉमिनल नेचर के उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग रूल्स इसके देख लेते हैं कि इसके हर एक अकाउंट्स के कुछ स्पेसिफिक रूल हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट, तो अब हम लोग जर्नल एंट्री का रूल देख लेते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, तो हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट फर्स्ट है। पर्सनल अकाउंट के जो रूल्स होते हैं डेबिट का, तो इसके रूल है कि डेबिट द रिसीवर अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर अकाउंट। ठीक है, कि जो भी कुछ पाने वाले को अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द गिवर अकाउंट, देने वाले के अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग अब जो भी देखिए जर्नल एंट्री बनाए जाते हैं, कोई ना कोई दो अकाउंट के कॉम्बिनेशन से ज़रूर बनाएंगे। कभी भी किसी एक अकाउंट के पर्सनल अकाउंट या फिर किसी रियल अकाउंट से हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या है, दोनों के अकाउंट के कॉम्बिनेशन से जर्नल एंट्री, मैक्सिमम जर्नल एंट्री बनती है। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट में हो गया हमारा पहला रूल है डेबिट द रिसीवर अकाउंट। आपको ध्यान में रखना है क्या, देने वाले को क्या करेंगे, डेबिट द रिसीवर अकाउंट, पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट द गिवर अकाउंट, उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जो दे रहा हो। ठीक है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी फर्म में हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, चाहे वो फर्नीचर आ रहा हो, चाहे कोई गुड्स आ रहा हो, कोई परचेज करके, जो भी कुछ हम लोग, जो हमारे फर्म में आ रहा है, कैश आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग रियल अकाउंट के थ्रू, क्योंकि रियल में कोई चीज़ आएगा, ठीक है, रियलिटी में कैश आएगा, फर्नीचर आएगा, कोई एसेट्स आएगा, तो वो इस रियल अकाउंट के थ्रू, के जो रियल अकाउंट से नेचर के अकाउंट होंगे उनके थ्रू ये रूल बना हुआ है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे पास आ रहा है उसको हम लोग जो पा रहे हैं उसको क्या करेंगे,
फर्म में आ रहा है उसको हम लोग कम सीन उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमारे पास से जो भी जा रहा है जाने वाली चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा पर्सनल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर अकाउंट, क्रेडिट द गिवर अकाउंट, और रियल अकाउंट के थ्रू डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब हम लोग नॉमिनल का देख लेते हैं रूल। तो लास्ट हमारा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसके रूल्स क्या होते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं उसको हम लोग क्या करेंगे डेबिट करेंगे। एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, इंटरनेट हो गया, कोई भी डिप्रिसिएशन हो गया, किसी को सैलरी दिया, वेजेज किया, ठीक है, कोई लॉस हो गया, इन केस अगर बिजनेस में लॉस होता है तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं डेबिट करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट, जो भी हमको प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है या फिर कहीं से कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, या फिर कहीं से कोई भी हमको इनकम के सोर्स से हमको इनकम मिल रहा है, तो हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब हम लोग आगे के वीडियो में इस पे बेस क्वेश्चन लेंगे और एक एक अकाउंट के को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर्सनल रियल नॉमिनल को फिर से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। और इस पूरे जर्नल एंट्री के चैप्टर में हर ये काफ़ी बार इसको रिवाइज मैं करने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि एक बार मैंने बता दिया कि इसको फिनिश्ड हो गया, तो हर जगह जहाँ पे ज़रूरत होगा इस रूल का हम लोग रिपीट करेंगे और इसको अच्छे से, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो मेरा ये एक फाउंडेशन पूरा चैप्टर है जर्नल एंट्री का, इसको सभी बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि यही एक बेस है जिस पे आगे चल के सारे जो भी ट्रांजैक्शन है, जो भी आपके अकाउंटिंग में जो भी एंट्रीज हैं, लेजर हैं, सारी चीज़ें आगे फ्यूचर में बहुत इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से और डीपली करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे के वीडियो हम लोग इस पे एक क्वेश्चन लेंगे और इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।